हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है जी सभी का। और इंडियन हैदराबाद और पाकिस्तान हैदराबाद का कंपैरिजन है जी हमारे पास। हाय, चलें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फुल कंपैरिजन। पाकिस्तान का हैदराबाद ज्यादा आगे है। पाकिस्तान का हैदराबाद हमसे, हाँ बिल्कुल बहुत आगे है। वो तकरीबन सिंध के पास है ना, वो बहुत आगे है। 8 घंटे का सफर 8-9 घंटे लग है, जाते आठ हैं वहाँ नौ पे घंटे जाते का जाते। सफर है, तो काफी आगे है। देखें फिर। दोस्तों, आज के इस कंपैरिजन वीडियो में हम इंडियन हैदराबाद सिटी को कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की हैदराबाद सिटी से, वो भी पॉपुलेशन, जीडीपी और एरिया जैसे कई फ्रेश डेटा के साथ में। तो आइए देखते हैं कि कौन सी सिटी जीतेगी इस कंपैरिजन बैटल को। तो इंडियन हैदराबाद भारतीय राज्य तेलंगाना की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है, जो तेलंगाना के साउथर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू में मूसी रिवर के किनारे स्थित है। भारतीय हैदराबाद अपनी रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और डिलीसियस बिरयानी के लिए जाना जाता है। साथ ही हैदराबाद में आइकॉनिक लैंडमार्क जैसे कि चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट फेमस है। अगर आज के समय में देखें तो ये सिटी इंडिया की आईटी और हाईटेक सिटी के तौर पर बहुत ही तेज गति से उभर रहा है। वहीं पाकिस्तान का हैदराबाद सिंध सूबे की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर कराची। ये इंडस रिवर के किनारे बसी हुई है, जो कि अपने वाइब्रेंट कल्चर, क्यूजनेट डांस के लिए फेमस है। और ये सिटी पाकिस्तान की इकॉनमी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पाकिस्तान का ये शहर बड़े पैमाने पर अपने टेक्सटाइल, सेरेमिक्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए जानी जाती है। और आइए दोस्तों, अब इन दोनों ही शहरों के न्यूमेरिकल डेटा की ओर चलते हैं। तो इंडियन हैदराबाद का टोटल लैंड एरिया लगभग 650 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इसे एरिया वाइज इंडिया की फोर्थ मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाती है। वहीं पाकिस्तानी हैदराबाद का सिटी का टोटल लैंड एरिया 292 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि इसे आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का आठवां सबसे बड़ा शहर बनाता है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडियन हैदराबाद की पॉपुलेशन तकरीबन 1,05,000 के आसपास है, जो कि इंडिया की 7th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है और तेलंगाना स्टेट की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। अथवा इंडियन हैदराबाद के हर एक किलोमीटर में लगभग 16,153 लोग रहते हैं, जबकि पाकिस्तानी हैदराबाद का टोटल पॉपुलेशन महज 19,68,000 है, जो कि इसे पाकिस्तान की 6th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बनाता है। और यहाँ हर एक किलोमीटर में लगभग 1,091 लोग रहते हैं। अगर दोनों ही शहर की एज ऑफ सिटी की बात की जाए तो इंडियन हैदराबाद 1591 में एस्टैब्लिश किया गया था और इंडियन हैदराबाद की एज 431 ईयर्स की है, जबकि पाकिस्तानी हैदराबाद को 1768 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसकी एज 254 साल है। इंडियन हैदराबाद की इकॉनमी यानी कि नॉर्मल जीडीपी 83.5 बिलियन डॉलर की है, जबकि पाकिस्तानी हैदराबाद की नॉर्मल जीडीपी 3.8 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि भारतीय हैदराबाद से काफी कम है। वहीं यदि हम किसी भी शहर के इकॉनमी के मेन फैक्टर यानी कि जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो इंडियन हैदराबाद की जीडीपी पर कैपिटा लगभग 7,952 यूएस डॉलर का है, क्योंकि पाकिस्तानी हैदराबाद का जीडीपी पर कैपिटा महज 1,999 यूएस डॉलर का है। अगर बात की जाए मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज की तो इंडियन हैदराबाद में सबसे ज्यादा तेलुगु बोली जाती है, जबकि पाकिस्तानी हैदराबाद में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज सिंधी है। वही दोस्तों, अगर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो इंडियन हैदराबाद में आपको रामोजी फिल्म सिटी, गोलकोंडा फोर्ट, बिरला मंदिर और चार मीनार पैलेस जैसी जगहों पर विजिट कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तानी हैदराबाद में आप सिंध म्यूजियम, कादमगाह मोला अली, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध कैंपस और रेशम गली बाजार जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। इंडियन हैदराबाद में मोस्ट फॉलोड रिलीजियन है हिंदुइज्म, जिसको 6.8 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, जबकि पाकिस्तानी हैदराबाद में सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जिसको कि 1.77 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। इंडियन हैदराबाद सिटी का HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.786 है, जबकि पाकिस्तान हैदराबाद का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.716 तक है। इंडियन हैदराबाद में तकरीबन 90.26% लिटरेसी रेट है, जबकि पाकिस्तानी हैदराबाद का लिटरेसी रेट बस 69% का है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तथा आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सब। तो इंडिया का हैदराबाद जो है वो हर मामले में पाकिस्तानी हैदराबाद से बहुत आगे है। उसकी हिस्ट्री हो, एज हो, है लिटरेसी रेट इंडिया का वैसे ही आपसे बहुत अच्छा है। मतलब एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इंडिया का बहुत बेहतरीन है, ऑल ओवर, नॉट ओनली हैदराबाद बल्कि ऑल ओवर बहुत अच्छा है। आप ये देख लो कि एक इंडियन स्टूडेंट और पाकिस्तानी स्टूडेंट में काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आएगा, और इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जो एजुकेशन है उनका वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब उनके जो प्राइवेट स्कूल के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, वहाँ पर भी अच्छी एजुकेशन मिलती है आपको। तो
हमारा एक ये भी है ना, हम एजुकेशन से भागते भी हैं, दूर लोग भी भागते हैं ना एजुकेशन से। कहते हैं ना कि तलीम मर्द एक जेवर है और जेवर मर्द के लिए रहा होने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो चलें, बाकी जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आपको सही और गलत का पता नहीं होगा, तो फिर आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारी गवर्नमेंट तो किस चीज़ की अच्छी है? एजुकेशन, आपकी गवर्नमेंट इसीलिए एजुकेशन नहीं ना देती, अगर आपको एजुकेट करते तो फिर वो गवर्नमेंट कैसे रहेगी। अभी भी देखो ना, इधर हम में बहुत सारे बैठे होंगे जो अभी भी भुट्टो के नारे मारेंगे, जो नवाज शरीफ के नारे मारेंगे। भुट्टो जिंदा कहते अभी तक तो भुट्टो नहीं अभी तक मरा, तो ये सोच लो कि बाकी क्या हो सकता है। चलें, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल। और पाकिस्तानी हैदराबाद से अगर कोई देख रहा है तो लाजमी बताइएगा, और इंडियन हैदराबाद से कौन देख रहा है वो कमेंट कीजिएगा।